में झुकाएं और दुआ करें। ऐ ज़मीन और आसमान के खुदावंद मसीह यसू में हमारे आसमानी बाप, ऐ बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमें ये मौका और ये वक्त बख्शा कि हम तेरे हजूर में आ सकें। आज के इस वक्त में ऐ बाप इस कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो ऐ खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे लोगों तक पहुँचाया जाए। ऐ बाप इस कलाम के वसीला से तमाम जिंदगियों को बड़ी बरकत बख्शना, जो इसको सुने ऐ खुदावंद वो इससे बरकत पाएँ। और दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंद कोई भी ऐसी बात तेरे खादिम के मुँह से ना निकले जो ऐ खुदावंद किसी की दिल आज़ारी का बायस हो। इस कलाम को सुनने वालों के लिए जो इस वक्त सुनते हैं और जो आइंदा वक्त में सुनते हैं उन सबों के लिए बाबरकत ठहराना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीज़ो, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद के हुज़ूर में आ सकें। आज के वक्त में हम खुदावंद के कलाम में से ईमानदारों का, कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, इससे मुतालिक खुदावंद के पाक कलाम में से सुनेंगे और सीखेंगे। ये मौजू नहायत अहम मौजू है जिसको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद के लोग होते हुए हमारे लिए ये बड़ा अहम है कि हम इस बात को सीखें कि एक ईमानदार होते हुए हमारा अजर ज़मीन पर कैसा है और खुदावंद हमें क्या अजर देना चाहता है। खुदावंद के कलाम में से हम नए अहदनामा में से तीतस का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत पर गौर करेंगे। मुकद्दस पालूस रसूल का तीतस, खुदावंद के खादिम के नाम का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यसु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो, आमीन। मेरे जीजो, खुदावंद के कलाम में जब हम मसीह यसु की दूसरी आमद के बारे में पढ़ते हैं, दूसरी आमद के बारे में खुदावंद के कलाम में से हवाला जात को देखते हैं, तो अक्सर हवाला जात जब हम उनको पढ़ते हैं तो इनकी तशरीह और तफसीर करते हुए बहुत से लोग जब उस तशरीह को, उस तफसीर को सुनते हैं तो वो उलझ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सा वक्त है और ये वक्त कब आएगा, ईमानदार क्या आसमान पर उठाए जाएंगे और अगर उठाए जाएंगे तो वो कौन सा वक्त होगा। तीतस के नाम खत में से ये आयत जो अभी हमने तलावत की और इसकी तलावत हमने सुनी खुदावंद के कलाम में से, मेरे जीजो हमें ये याद रखना है कि दो खतूत ऐसे हैं, तीन खतूत ऐसे हैं जो नए अहदनामा के अंदर पासबानी खतूत या पास्टोरल अपीसल्स कहलाते हैं, और जब हम इनको देखते हैं तो ये खतूत खुदावंद के बंदा मुकद्दस पालूस रसूल ने जिस तरह कलीसियाओं को, करंथस के ईमानदारों को, थसानीके के ईमानदारों को और इसी तरह इफ्सियों, फिलिपियों, गलतियों, कुलसियों के ईमानदारों को लिखे, इसी तरह ये तीन खतूत जिसमें तिमोथियस के नाम का पहला ख़त और दूसरा ख़त और तीतस के नाम का ख़त, जिसमें से आज की हमारी जो आयत है, सनदी आयत ली गई है, जब हम इसको खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं तो ये बात हम पर जाहिर करती है कि ये खतूत खादमों को लिखे गए। तो जब हम इस ख़त को जो तीतस के नाम मुकद्दस पालूस रसूल ने तहरीर किया, जो खुद भी खुदा का खादिम है और एक खादम को ये तहरीर करता है, जब हम खुदावंद के कलाम में इस ख़त को, इसके दूसरे बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो खुदावंद का बंदा ये कहता है 13वीं आयत में कि उस मुबारक उम्मीद, सबसे पहली बात ये कि मसीह यसु हमारी एक बाबरकत उम्मीद है, वो हमारी मुबारक उम्मीद है, और दूसरी बात जो इसमें मौजूद है कि वो हमारा बुजुर्ग खुदा है, और तीसरी बात ये कि वो मुनजी है, हमें बचाने वाला है, और चौथी और खास बात जो इस आयत के अंदर है वो ये कि हमें उसके जलाल के मुंतजिर रहना है। ईमानदार इस उम्मीद में अपनी जिंदगी को बसर करता है कि ना सिर्फ इस दुनिया में रहते हुए उसके लिए खुदावंद की जानिब से बड़े बड़े वादे उसके लिए हैं, बल्कि उसके लिए हमेशा की जिंदगी की उम्मीद भी है। और मेरे जीजो,
ये उम्मीद ये है कि एक दिन मसीह यसू आएंगे और वो तमाम ईमानदारों को जिंदा आसमान पर ले जाएंगे, जिसे हम रैप्चर कहते हैं, यानी ईमानदारों का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। और ये एक ऐसा वक्त होगा कि जब ईमानदार जिंदा आसमान पर जाएंगे और उसके बाद खुदावंद गजब को जमीन पर नाजिल करेगा। यहां पर खुदावंद के कलाम को आप तक पहुंचाते हुए मैं इस बात को भी बताना चाहूंगा कि बहुत से मकतबाए फिक्र जो हैं वो रैप्चर को नजरअंदाज करते हैं, या रैप्चर का जो वक्त है वो उसका तायुन दुरुस्त तरह नहीं करते, और इसके बारे में मुख्तलिफ तालीमात पाई जाती हैं। चार बातें हैं जिन पर हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। सबसे पहली बात जो रैप्चर के मुतालिक जो तालीम पाई जाती है वो ये है कि कलीसिया बड़ी मुसीबतों के बाद आसमान पर उठाई जाएगी। पहली बात यह है कि कलीसिया, जो लोग मानते हैं, इस दुनिया में बहुत से डिनोमिनेशंस, बहुत सी कलीसियाएं जो इस बात को मानती हैं कि कलीसिया बड़ी मुसीबतों के बाद आसमान पर उठाई जाएगी। और दूसरी बात जो मानी जाती है वो ये कि कलीसिया 7 साल का जो अरसा है, जो मुसीबतों के, बड़ी मुसीबतों के याम है, कलीसिया उसमें 3 साल जो मुसीबत के पहला हाफ है, उसका पहला हिस्सा है, वो लोग ये मानते हैं कि कलीसिया 3.5 साल जो मुसीबत का पहला हाफ है उसमें उठा ली जाएगी। और तीसरी तरह की जो सोच या एक नज़रिया पाया जाता है वो ये है कि आधी कलीसिया उठा ली जाएगी और आधी कलीसिया या आधे ईमानदार जो हैं वो इस दुनिया में रह जाएंगे। और चौथा नज़रिया जो हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक बाइबली ईमान को मद्देनजर रखते हुए मानते हैं वो ये है कि कलीसिया 7 साल मुसीबत के, बड़ी मुसीबत के अयाम जो हैं उनसे पहले आसमान पर उठाई जाएगी। प्री ट्रेबुलेशन हम इसे कहते हैं कि दुखों से पहले, इससे पहले कि जमीन पर बड़े दुख आए, कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। और मेरे जीजो, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये वक्त कौन सा वक्त होगा जब कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। और हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि रैप्चर जो प्री ट्रेबुलेशन है, यानी मुसीबतों से पहले का वक्त, इसका जिक्र क्या खुदा के कलाम में है। और उसके साथ इस बात पर भी गौर करेंगे कि ईमानदार कलीसिया जो है, ईमानदारों की जमात जो है, वो मुसीबत में से क्यों नहीं गुजरेंगे। सबसे पहले जिस बात पर हम गौर करेंगे इन नजरियात को मद्देनजर रखते हुए वो ये है कि रैप्चर यानी कलीसिया को जिंदा आसमान पर ले जाना, ये मसीह यसू के वादा की तकमील और खुदावंद के कलाम के अंदर मौजूद वादों की तकमील का एक अहम निशान होगा। जब रैप्चर होगा तो इससे मसीह यसू के वादा की तकमील होगी। और कलाम मुकदस में नए अहदनामा के अंदर जो वादे खुदावंद ने अपने लोगों से अपने कलाम में किए हैं, खतूत के अंदर और दूसरी जगहों पर जिसमें मुकाशिफा की किताब भी है, जब रैप्चर होगा तो कलाम की रोशनी में ये वादे पूरे होंगे। मैं चाहूँगा कि खुदावंद के कलाम में से हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 14वां बाब उसको देखें। रैप्चर क्यों ज़रूरी है, यीशु मसीह का आना और ईमानदारों को ले जाना ये क्यों जरूरी है, खुदा उनके कलाम में से इस बात पर गौर करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 5वीं चौथी आयत के आखिर तक तलावत को सुनेंगे। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब पहली 4 आयत पाक कलाम में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। रैप्चर क्यों जरूरी है,
मसीह यसु की सेकंड कमिंग, उसकी आमदेसानी क्यों जरूरी है? क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने यह कहा था, मैं जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अंग्रेजी तर्जमा में आया, दे आर मैनी मैंशंस इन माई फादर्स होम। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं और फिर आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले लूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कलीसिया से यह वादा है कि मसीह यसु कलीसिया को लेने के लिए दोबारा जमीन पर वापस आएंगे। रैप्चर, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह यसु की आमदेसानी इसलिए अहम है क्योंकि मसीह यसु ने यह वादा किया था कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। मसीह यसु के वादा की तकमील रैप्चर के अंदर हमें नजर आती है। एक और हवाला मैं चाहूंगा कि खुदा के कलाम में से हम देखें, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 51वीं आयत, आयत खुदा के कलाम में से, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 51 आयत खुदा के कलाम में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और ये बदल जाना क्या है? कि हम जिंदा आसमान पर चले जाएंगे, जलाली बदन के अंदर जिंदा आसमान पर उठाए जाएंगे। पालूस रसूल और रूहुल कुस की हदायत से ये कहते हैं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, यानी सब मरेंगे नहीं। ईमानदारों के लिए लफ्ज मरने के लिए कोई मरने का लफ्ज नहीं, बल्कि सो जाने के बारे में खुदा के कलाम में जिक्र मिलता है कि हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। और वो बदल जाना क्या है खुदा के कलाम में? वो ये है कि हम जिंदा आसमान पर जाएंगे। थसनीकियों के खात में मुकदस पालूस कहते हैं, पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और उसके बाद हम जो जिंदा होंगे हवा में बादलों पर इस्तकबाल करेंगे। आज हम चाहें तो हम आसमान की जानिब जा नहीं सकते, किसी ऊंचाई से छलांग लगाएंगे तो जमीन की जानिब आएंगे, आसमान की जानिब नहीं जाएंगे। जमीन हमें अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन जब मसीह यसु ने आना है तो हमारा ये बदन बदल जाएगा और हम जिंदा आसमान पर चले जाएंगे। रैप्चर, आसमान पर जाना, जिंदा जाना, बदल कर जाना, जलाली बदन में जाना, ये खुदावंद के कलाम की बात है। और ये इस रैप्चर को जब हम देखते हैं तो ये उसके वादा की तकमील भी है। एक और जगह पर खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ये बयान करते हैं, कुलसियों के नाम का खत और उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत में कलाम में लिखा है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। अभी हमने बात की कि सब सोएंगे नहीं बल्कि बदल जाएंगे, और वो बदल जाना क्या है? कि हमें जलाली बदन मिलेगा, वो बदन जिसे भूख या प्यास नहीं सताती, वो बदन जो आसमान पर भी जा सकता है, वो जलाली बदन हमें मिलेगा। और मुकद्दस पालूस कुलसियों के नाम लिखे गए खत और उसके पहले बाब की 27वीं आयत में आखिरी समय कहते हैं, मसीह जो जलाल की उम्मीद है। हम क्यों ऐसे हो जाएंगे, हम कैसे आसमान पर चले जाएंगे? क्योंकि मसीह यसु खुद आसमान पर गए और शागिर्दों ने, उन औरतों ने मसीह यसु को खुद आसमान पर जाते हुए देखा। अगर मसीह यसु जिंदा आसमान पर जा सकते हैं तो कलीसिया ईमानदार भी जिंदा आसमान पर खुदावंद यसु मसीह ले जा सकते हैं। मेरे जीजो, चौथा हवाला जो रैप्चर के मुतालिक, मसीह यसु के वादा की तकमील के मुतालिक हमें खुदावंद के कलाम में मिलता है, वो पहला थसनीकियों और उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं से 18वीं आयत, बड़ा मशहूर ज़माना ये हवाला है और अक्सर किसी ईमानदार की वफात के मौके पर बहुत से खुदावंद के खादमीन जो हैं वो इस हवाला को पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये किसी के मरने के बारे में नहीं बल्कि जिंदा किए जाने के बारे में हमें तालीम देता है। ये हवाला पहला था सनीकी उसका 4वां बाब उसकी 13 से हम 18वीं आयत तक अपने पास खोल कर ज़रूर देख सकते हैं, आप ज़रूर इसे अपने पास लिख लें, बाद में आप इसे देख सकते हैं। लेकिन खुदावन के कलाम में जब हम इसको हवाला को देखते हैं तो खुदावन के कलाम में मैं चाहूँगा कि हम इसकी 15वीं
आयत से देखेंगे, कलाम में लिखा है चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतराएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए यानी मर गए वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। ये खुदावंद के कलाम की तालीम है कि पहले तो वो जो मसीह में मर गए यानी सो गए वो जी उठेंगे, और उसके बाद हम जो जिंदा बाकी होंगे हम हवा में उड़कर मसीह यसु का इस्तकबाल करेंगे। और लिखा है कि सिर्फ इस्तकबाल नहीं करेंगे कि इस्तकबाल करके नीचे कुछ जमीन पर खुदावंद यसु मसीह हमें मुसीबतों में या परेशानियों में छोड़ देगा, बल्कि लिखा है इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ भी रहेंगे। चार हवाला जात, बहुत से हवाला जात हैं या हो सकते हैं, लेकिन इन चार हवाला जात में से मैंने आपको ये बताने की ये समझाने की कोशिश की कि रैप्चर मसीह यसु के वादा की तकमील है, और ये रैप्चर की तालीम कोई बाहर से नहीं आई, खुदा उनके कलाम में है कि जो मर गए हैं वो भी जिंदा होंगे और जो जिंदा होंगे वो भी हवा में बादलों पर खुदावंद यसु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। मसीह यसु हमारे लिए जलाल की उम्मीद है, मसीह यसु हमें तब्दील कर देंगे, हम बदल जाएंगे, जलाली बदन पाएंगे, और मसीह यसु हमें लेने के लिए आएंगे, क्योंकि मसीह यसु का ये वादा हमारे साथ पहले ही से है। पहले हमने इस बात पर गौर किया कि रैप्चर होना क्यों जरूरी है, अब दूसरी बात उन एतराजात की रोशनी में हम देखेंगे जो खुदावंद के कलाम की बड़ी गहरी तालीम पर किए जाते हैं कि जी कैसे हो सकता है कि कलीसिया आसमान पर चली जाए। वो पंजाबी में कहते कि आइए कि अरशों उतरे ने के नहीं इन्हें परेशानी चुनी लंघना, क्यों कलीसिया परेशानी में से नहीं गुजरेगी। वो लोग जो कहते हैं कि बड़ी मुसीबतों में के बाद आसमान पर जाएगी 7 साल ट्रेबुलेशन पीरियड में से गुजर कर, कुछ कहते हैं जी 3.5 साल मुसीबत के दौर के पहले हिस्सा के बाद उठाई जाएगी, बहुत से लोग कहते हैं कि अधे ले जाएंगे तो अधे रह जाएंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? खुदा के कलाम में से इस बात पर भी गौर करेंगे कि क्यों हम इस बात को मानते हैं कि कलीसिया परेशानी में से या मुसीबत में से गुजरे बगैर ही आसमान पर चली जाएगी, हम क्यों इस बात को मानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ईमानदार मुसीबत में से क्यों नहीं गुजरेंगे। पहली बात जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कलीसिया खुदावंद के कलाम में जब हम देखते हैं कलीसिया मसीह यसु की दुल्हन है, और मसीह यसु दुल्हन कलीसिया का दुल्हा है। ये हो नहीं सकता कि कोई दुल्हा अपनी दुल्हन को परेशानी में छोड़ दे, ये हो नहीं सकता कि कोई दुल्हा अपनी दुल्हन को तकलीफ में छोड़ दे। जब किसी की शादी होती है नई नई, तो दुल्हन जब नई दुल्हन घर में आती है, एक बहू बनकर दूल्हे की दुल्हन या बीवी बनकर, तो दुल्हा की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी दुल्हन को अपने घर के तौर तरीके समझाए। अगर कोई बात उसे समझ ना आए तो वो उसको परेशानी में से निकालने का हल सोचता है, उसे परेशानी में रहने नहीं देता। ये रिश्ता एक दुनियावी रिश्ता है जिसमें एक मर्द एक औरत को मोहब्बत के साथ रखने के लिए उसकी खातर मुसीबत को बर्दाश्त करता है और उसे मुसीबत में से गुजरने नहीं देता। ये तो मेरे अज़ीज़ो एक दुनियावी रिश्ता है। वो रिश्ता जो रूहानी रिश्ता है, क्या हम सोच सकते हैं कि हमारा दुल्हा जिसने हमारे लिए दुखों को बर्दाश्त किया, उसने अपने मुंह पर थूका जाना बर्दाश्त किया, कोड़ों की मार बर्दाश्त की, जिसने सर पर कांटों का ताज रखा जाना बर्दाश्त किया, हाथ और पांव में कील हमारे लिए ठुकवा दिए, क्या वो हमें परेशानियों में छोड़ जाएगा? हम कहते हैं हम उसकी दुल्हन है, तो क्या वो दुल्हा बेवफा है कि वो अपनी दुल्हन को मुसीबतों में छोड़ दे? मेरे अजीजों ऐसा हरगिज नहीं। क्यों मुसीबत में से हम नहीं गुजरेंगे? क्योंकि दुल्हा हमें मुसीबत में रहने नहीं देगा। उसने हमारे लिए मुसीबतों को उठा लिया, उसने परेशानियों को हमारे लिए बर्दाश्त कर लिया। दूसरी बात, क्यों ईमानदार मुसीबत में से नहीं गुजरेंगे?
उसकी वजह यह है कि ईमानदार उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हैं, जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। और जो जाग रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुसीबत में से गुजरे, आजमाइश उनकी जिंदगी में आए। गतसमनी बाग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो आखिरी फसा खाने के बाद बागे गतसमनी में आए और वह अपने शागिर्दों के साथ थे और वो अलहदा जाकर दुआ करते और वापस आते और देखते कि उनके शागिर्द सो रहे हैं, तो मसीह यीशु उनको ये कहते, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मसीह यीशु ने उन्हें कहा कि जागो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जब कोई जागता है, ईमान की हालत में रहता है, सो नहीं जाता, तो ये हो नहीं सकता कि वो आजमाइश में पड़े। और मुकद्दस पालूस बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं पहला तसनीकियों और उसका पांचवा बाब और उसकी चौथी आयत से नौवीं आयत, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है। पहला तसनीकियों उसका पांचवा बाब और उसकी चौथी आयत से नौवीं आयत, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसीलिए मुकरर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से निजात हासिल करें। जो जागने वाले हैं, जागने वाले ईमानदार, याद रखें जो जाग रहे हैं, जिनका ध्यान कलाम पर है और जो कलाम को पढ़ते रहते, उस पर तफ्तीश और तहकीक करते रहते हैं, सो नहीं जाते, किसी बात को सुनकर ईमान को उसी पर कायम नहीं कर लेते, जागते रहते और उसको पढ़ते रहते हैं, उस पर तफ्तीश करते रहते हैं, वो जागने वाले याद रखें कि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकरर किया कि अपने यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। क्यों ईमानदार मुसीबत में से नहीं गुजरेंगे? क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने जागने वालों को, कलीसिया को, ईमानदारों को गजब के लिए नहीं बल्कि निजात हासिल करने के लिए मुकरर किया है। तीसरी बात जिस पर इस वक्त में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो खुदावंद के कलाम में मुकाशवा की किताब और उसके तीसरे बाब के अंदर मौजूद है। मुकाशवा की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी दसवीं आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब तीसरा बाब और उसकी दसवीं आयत, याद रखें तीसरा बाब मुकाशवा की किताब में एक ऐसा बाब है जहां पर मुकाशवा की किताब में मुसीबतों के आयाम से पहले कलीसिया का जिक्र मिलता है और बड़ी मुसीबतों के आयाम से पहले खुदावंद क्या कहता है। मुकाशवा की किताब, खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं उसके तीसरे बाब, मुकाशवा की किताब तीसरे बाब की दसवीं आयत में, चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया इसीलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मसीह यीशु ने यह कहा फिलदेल्फिया की कलीसिया से, कलीसिया यानी ईमानदारों की जमात से, और आज हम भी कलीसिया हैं, ईमानदारों की जमात है। यह पैगाम हमारे लिए भी है। खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं कि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है इसलिए मैं भी आजमाइश के वक्त में तेरी हिफाजत करूंगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिफाजत का मतलब यह है कि आजमाइशें आएंगी, ईमानदार बीच में ही होंगे। मेरे जीजो, हिफाजत का मतलब यह है कि वो उसमें मौजूद नहीं होंगे बल्कि जैसे आगे कलाम में लिखा है जो जमीन के रहने वालों के लिए, हम तो तब जमीन पर नहीं होंगे, ये आजमाइश का वक्त जमीन के रहने वालों के लिए होगा, लेकिन खुदावन हमें हिफाजती जगह पर, हिफाजती मुकाम पर ले जाएगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। आसमान पर हम मौजूद होंगे, कलीसिया आसमान पर होगी। कलीसिया ट्रेबुलेशन पीरियड में से 7 साल बड़ी मुसीबत के जो अयाम है, ना पहले हिस्से में है और ना दूसरे हिस्से में है, कलीसिया उसमें से नहीं गुजरेगी। अब भी अगर कोई उम्मीद रखता है, अब भी अगर किसी का ये ईमान है कि हम
इन तीन नज़रियात को जो अभी मैंने आपको बताया, चार में से तीन नज़रियात, अगर आप इसको मानते हैं कि जी आधी कलीसिया उठा ली जाएगी, आधी रह जाएगी, कलीसिया ज़रूर मुसीबतों के आम में से गुजरेगी, और तीसरा ये कि आधा जो मुसीबत का वक्त है 3.5 बरस उसमें से गुजरेगी, अगर अब भी आप ये मेरे अजीज़ों उम्मीद रखते हैं तो आपका ईमान आपको मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक मेरा ये ईमान है कि कलीसिया खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो परेशानियों में से, मुसीबत के बड़े अयाम में से नहीं गुजरेगी। अभी हम खुदावंद के कलाम में जब आगे बढ़ेंगे तो मैं इस नज़रिए के लिए जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है इसके लिए आपको दलायल भी पेश करूँगा। कलीसिया का जिंदा उठाया जाना और रैप्चर जिसे हम कहते हैं, मसीह यसु की दूसरी आमद, आमद सानी, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये आमद एक पोशीदा आमद है और सिर्फ इस आमद को निजात याफ्ता लोग ही देख सकेंगे और बराए नाम मसीही जो हैं वो इस दुनिया ही में रह जाएंगे। अक्सर हवालों को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, इसकी तफसीर गलत की जाती है कि जब यसु ने आना है हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा वो उसे देखेंगे, कलामी ये लिखा है, लेकिन ये उस वक्त के लिए है जब 7 साला मुसीबत का दौर होगा, और उस दौर के लिए भी लिखा है कि उस दौर में जो ईमानदार होंगे उन्हें जान देने तक वफादार भी रहना पड़ेगा। लेकिन मसीह यसु की जो दूसरी आमद है, आमदेसानी जो है, ये एक ऐसी आमद होगी जो पोशीदा आमद होगी, सिर्फ वही लोग उसमें शरीक होंगे, वही लोग उसमें जा सकेंगे जो निजात याफ्ता ईमानदार हैं, नामी मसीह उसमें शरीक नहीं हो सकेंगे। इल्मे इलाहियात के एक मशहूर माहिर हैं, खादम, बहुत बड़े खुदावन के खादम गुजरे हैं, चार्ल्स हिडसन स्पर्जन, उन्होंने एक किताब जो है उसको तहरीर किया, किताब का टाइटल अंग्रेजी में है द मिसिंग वंस, गुमशुदा लोग, और वो उस किताब के अंदर एक शख्स की कहानी बयान करते हैं जिसने थसनिकियों के नाम पहला खत उसका 4वां बाब उसकी 13 से 18 आयत इस हवाला को पढ़ा रात के वक्त में, तो वो जब इस हवाला को पढ़ने के बाद सो गया तो उसने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी, जब वो सुबह उठा ख्वाब देख रहा है कि उसकी बीवी जो है वो घर पर मौजूद नहीं, उसकी बीवी गायब हो गई, घर के दरवाजे सारे अंदर से बंद है लेकिन उसकी बीवी मौजूद नहीं। कुछ वक्त इंतज़ार के बाद वो अपनी बेटी के कमरे की जानिब गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी का जो कमरा है उसका दरवाज़ा खुला है, दरवाजे घर के बंद हैं लेकिन बेटी भी कमरे में मौजूद नहीं। फिर वो इंतज़ार करता रहा, उसने हर जगह अपनी बीवी और अपनी बेटी को ढूंढा लेकिन वो घर में उसे कहीं भी नज़र ना आए, तो वो दफातन अपने बेटे के कमरे में गया जो तैयार होकर बैठा था, तो उसका बेटा भी बड़ा परेशान था और वो कह रहा था कि मैं मामा को सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मेरी माँ मुझे नज़र नहीं आ रही, और उसने अपने बेटे को कहा कि बाहर जाओ देखो। बेटा बाहर गया, माँ और बेटी जो है वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो वो शख्स अपने बेटे को लेकर अपनी बहन के घर पर चला गया। तो जब बहन के घर में गया तो उसने अपनी बहन से जब पूछा तो उसने कहा हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आज अखबार वाला वो भी नहीं आया और जो दूध देने वाला घर पर आता है वो भी दूध लेकर नहीं पहुंचा, शायद कुछ दुनिया में अनहोनी हो चुकी है। तो वो शख्स जो कि ख्वाब देख रहा था वो एकदम ख्वाब से नींद से जागा और नींद से जागकर उसने उठकर अपनी बीवी को जो उसके साथ सो रही थी, जो ख्वाब में उसे गायब नजर आई, जब उठा तो उसने देखा कि वो साथ है, उसने उठकर अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को बताया, और वो ख़ानदान, किताब में वो मुसन्निफ़ ये बयान करते हैं चार्ल्स स्पर्जन कि वो ख़ानदान जब उन तक ये बात पहुंची तो वो और ज़्यादा सरगर्मी के साथ खुदावंद के कलाम पर अमल करना शुरू हो गए और खुदावंद के साथ चलना शुरू हो गए। कलीसिया आसमान पर मुसीबत से पहले, मुसीबत के बड़े अयाम से पहले उठा ली जाएगी, इसके लिए चंद मिनटों में आपके सामने कुछ बातों को कलाम मुकद्दस के मुताबिक रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि कलीसिया मुसीबतों के अयाम में, हम कह रहे हैं, खुदावंद का कलाम चीख चीख के ये हमें बता रहा है, खुदा के खादम कई सालों से बता रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, कहते हैं कि कलीसिया मुसीबतों में होगी। मेरे जीजो अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 4वां बाब उसको पढ़ना शुरू करें, 4 बाब से 18 बाब तक, हमें मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में, नरसिंगों के फूंके जाने में, प्यालों के उंडेले जाने में, बड़ी मुसीबत के उस वक्त में ईमानदार
या कलीसिया जो है वो नजर नहीं आती, बल्कि जब हम मुकाशवा की किताब और उसका चौथा बाब पढ़ते हैं और चौथे बाब की पहली आयत खुदावन के कलाम में पढ़ते हैं तो लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। यूहन्ना आरिफ जो मसीह यीशु के शागिर्द है, पतमस के जजीरे में है, मुकाशवा की किताब में है लिखा है कि वो उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, मसीह की गवाही देने के बायस वहां पर था। मसीह यीशु इस पर जाहिर हुआ और अब चौथे बाब में कलीसियाओं से बात करने के बाद वो ये कहता है, यूहन्ना ये कहता है कि मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला है। इससे पहले वो दरवाजा नहीं खुला, उससे पहले कोई दरवाजा नजर नहीं आता, लेकिन यूहन्ना आरिफ ये कहता है कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। अब अगर मंतकी लिहाज से इसको देखें तो खोला उनके लिए जाता है, दरवाजा उसके लिए खोला जाता है जिसको अंदर बुलाया जाता है। यूहन्ना तो अभी नीचे है, तो ये दरवाजा किसके लिए खुला है? ये दरवाजा उन ईमानदारों के लिए खोला गया है, खोल दिया गया है जो पहले आसमान पर जा चुके हैं, और दरवाजा भी खुला है। और खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि तू भी ऊपर आ जा। वो कहते कलाम लिखा है जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की आवाज से अपने साथ बातें करते सुना, वो ये फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, ऊपर आसमान में आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। इन बातों यानी रैप्चर के बाद जो बातें होनी है, यूहन्ना आरिफ ये कहते हैं कि उस आदमी ने, उस शख्स ने, आदमजात से उस शख्स ने मसीह यीशु ने से कहा कि आ मैं तुझे बताऊं कि अब जब दरवाजा तुझसे पहले खुला है, कलीसिया आसमान पर है, तो इसके बाद क्या होगा। मेरे जीजो, सबसे पहली और बड़ी दलील ये है कि कलीसिया आसमान पर मौजूद है और चौथे बाब से 18वें बाब में कलीसिया कहीं पर भी नजर नहीं आती। खुदा उनके कलाम को खोलें, जो बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद है उसको देखें, गौर करें, इसके बारे में देखें कि क्या कलीसिया जमीन पर है। हाँ, कुछ ईमानदार हैं जो नामी ईमानदार थे जिनको छोड़ दिया गया, अब जब वो जमीन पर हैं तो वो अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। उन्हें मुसीबतों में, बड़ी मुसीबतों में, 7 साला ट्रेबुलेशन के पीरियड में, इस टाइम में उन्हें जान देने तक वफादार रहना पड़ेगा। बाकी के ईमानदार आसमान पर मौजूद हैं। क्यों कलीसिया दुखों में से नहीं गुजरेगी? इसकी दलील यह है कि कलीसिया पहले ही आसमान पर मौजूद है, मुकाशवा 4 बाब पहली आयत के तनाजुर में। और क्यों कलीसिया दुखों में से नहीं गुजरेगी, क्या वजह है, क्यों नहीं गुजरेगी? इसका जवाब हमें रोमियो के नाम मुकदस पालूस रसूल के खत के अंदर, रोमियो के खत और उसके 8वें बाब की पहली आयत के अंदर मिलता है। रोमियो का खत और उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत, मैं चाहूंगा कि जरूर आप इसे मेरे साथ खोलें और देखें, अगर लिख सकते हैं तो जरूर लिखें। रोमियो 8 बाब पहली आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। यह नहीं लिखा कि जो मसीह यीशु में है थोड़ी सी सजा में से गुजरेंगे, थोड़ी सी परेशानी में से गुजरेंगे, 3.5 साल उनको सजा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कलाम में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। मसीह यीशु के आसमान पर जाने के बाद पौलुस ये कहते हैं कि अब उस पर ईमान आने वाले जो लोग हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सजा का हुक्म नहीं तो ये जो सारे ऊपर उठा लिए गए हैं, जो खुदावंद ने ये कहा है कि अजर भी दूंगा, देख हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास मौजूद है, तो ये अजर क्या है? इसका मतलब है अदालत तो होनी है, अभी अदालत तो लगनी है। मेरे जीजो, अदालत लगेगी, लेकिन वो लोग अदालत में सजा के लिए नहीं बल्कि अदालत में अपने नेक कामों के लिए अजर पाने के लिए मौजूद होंगे। दूसरा क्रंथियों और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत गौर से देखिए। दूसरा क्रंथियों उसका 5वां बाब और 10वीं आयत कलाम में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए, हर शख्स ईमानदार भी और जो ईमान नहीं भी रखते, हर शख्स उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों,
ख्वाब भले ख्वाब बुरे। ईमानदार तो अदालत का जो तख्त है उसके सामने जब जाएंगे तो फिर वो अजर के लिए जाएंगे, लेकिन वो नामी ईमानदार, नामी मसीही, नाम के साथ मसीह लगाने वाले पर मसीह के कलाम पर अमल ना करने वाले, उनके जो बुरे काम हैं उनका अजर वहाँ पर मिलेगा। और कलाम में लिखा है कि जो बुरे काम करने वाले हैं वो हमेशा तक जलने वाली आग में डाले जाएंगे, और जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं उनका जिक्र भी हमें मुकाशवा की किताब और उसके बिल्कुल आखिरी अबवाब में मिलता है कि वो ऐसी जगह पर होंगे जो एक बड़ी खूबसूरत जगह है, और उसकी मंजरकशी भी हमें खुदावन के कलाम में मिलती है। और मैं चाहूँगा कि आप इस हवाला को देख लें, हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आप इस हवाला को अपने पास लिख सकते हैं। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से उसकी 5वीं आयत, और कलाम में लिखा है, मैं चाहूँगा कि 3री आयत से हम पढ़ें, मुकाशवा 22वां बाब पहली से इसकी 5वीं आयत तक, लेकिन 3री आयत से मैं पढ़ूँगा। लिखा है, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रा का तख्त, अदालत वाला तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। ये अजर है कि वहां पर इबादत होगी और वो उसका मुंह देखेंगे जो पहले नहीं देख पा रहे थे। ईमानदार तख्त के सामने होंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उन्होंने अबलीस की मोहर नहीं ली, लेकिन खुदावंद का नाम, बर्रा का नाम जो है वो उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावन खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। ये अजर ईमानदारों के लिए है, ये अदालत जब वो अदालत के सामने जाएंगे, ये अदालत के सामने जब वो मौजूद होंगे तो ये अजर उनके लिए होगा कि बर्रा का जो नाम है वो उनके माथों पर लिखा होगा। वहाँ पर रात नहीं होगी, चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज नहीं होंगे, और सबसे अहम बात कि वो हमेशा तक बादशाही करेंगे। बादशाही करने के लिए ईमानदारों को मुसीबत से पहले निकाल कर आसमान पर ले जाया जा रहा है। दूसरी बात कि ईमानदार आसमान पर होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे, हम इस बात पर गौर करेंगे, और वो ये है कि जब तक कलीसिया इस दुनिया में मौजूद है तब तक बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। कलीसिया मुसीबत में से गुजरेगी भी नहीं और कलीसिया की वजह से दुनिया में बड़ी मुसीबत भी नहीं आएगी। और इसका जिक्र हमें खुदावंद के कलाम में दूसरा थसलुनीकियों और उसके दूसरे बाब के अंदर मिलता है। मैं चाहूँगा कि खुदावंद के कलाम को मेरे साथ खोलें, दूसरा थसलुनीकियों और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं चाहूँगा कि हम पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे कि जब तक कलीसिया मौजूद है तब तक मुसीबत नहीं आएगी, कलीसिया मुसीबत में से गुजरेगी भी नहीं और जब तक कलीसिया है तब तक दुनिया में मुसीबत भी नहीं आएगी। पाकलाम में लिखा है दूसरा तसनीकियों उसके दूसरे बाब की पहली आयत से, ए भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर के खुदावंद का दिन आ पहुंचा, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। मुकद्दस पालूस रसूल ने थसनीके के ईमानदारों के अंदर, इस कलीसिया के अंदर खिदमत की, उन्हें मसीह यीशु के वादों के बारे में बताया कि मसीह यीशु उन्हें मुसीबत से पहले निकाल कर आसमान पर जिंदा ले जाएंगे। खुदावंद का दिन आ पहुंचा, ये मुसीबत का दिन है जो दुनिया में आने वाला है। मुकद्दस पालूस रसूल ने जब इस कलीसिया को ये तालीम दी तो क्या हुआ कि जब वो परेशानियों में से, आजमाइशों में से गुजर रहे थे तो उनके अंदर ये तालीम फरोग पाने लग गई कि शायद खुदावंद का दिन यानी बड़ी मुसीबत का वक्त आ गया है और हम ईमानदार होते हुए यहीं पर रह गए हैं। तो मुकद्दस पालूस ने उन्हें बताया कि कोई रूह या खत जो गोया हमारी तरफ से भी हो, यह समझ करके खुदावंद के दिन आ पहुंचा, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। और तीसरी आयत में लिखा है, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना। याद रखे मेरे जीजो, हमें किसी तरह से किसी के फरेब में नहीं आना। पौलुस रसूल इस कलीसिया को भी कहते हैं क्योंकि वो दिन नहीं आएगा, वो दिन नहीं आएगा
जब तक पहले बरगश्तगी ना हो। पहले बरगश्तगी होगी, नीम दौर जो 7 साल का पहला अरसा, 3.5 साल का अरसा है, उसमें पहले बरगश्तगी होगी और गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा जो मुखालफत करता है। किसकी मुखालफत करता है? खुदा की, कलाम की मुखालफत करता है। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ये पहला जो हाफ है 3.5 बरस का वक्त जो है उसमें वो खुदा के मकदस में हैकल जो तामीर होगी उसमें बैठकर वो वहां पर अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। और 5वीं आयत में लिखा है, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? और आगे लिखा है 6वीं आयत में, अब जो चीज उसे रोक रही है, याद रखे, गौर करें, अब जो चीज इस दौर में और थसनिके के ईमानदारों के उस दौर में जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो। और वो क्या है कि वो खुदा रूल कुदस है जो कलीसिया के जमीन पर होने की वजह से यहां पर है और अब वो रूल कुदस उसे रोक रहा है, वो तासीर उसे रोक रही है। कलाम में लिखा है, अब वो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है। अभी भी ये बेदीनी, ये ना सोचें कि ईमानदार परेशानियां या दुख नहीं उठा रहे, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, ये बेदीनी का भेद भी है, तासीर भी करता जाता है, मगर ये अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। जब वो रोके रहने वाला कलीसिया के साथ आसमान पर रूल कुछ उठा लिया जाएगा जिसका वादा ईमानदारों के साथ किया गया था। मसीह यीशु ने कहा 14वां बाब यूहन्ना की इंजील कि मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा, मैं एक मददगार तुम्हें दूंगा, उस्ताद दूंगा। वो हमारा मददगार है, वो हमारी मदद करता है कि हमने अबलीस का मुकाबला कैसे करना है। और कलाम में लिखा है कि अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब वो एक रोकने वाला है, जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। जब तक वो दूर ना किया जाए, रूल कुदस ईमानदारों के साथ कलीसिया पर उठा ना लिया जाए, उस वक्त तक अबलीस बेदीन जो है वो यहां पर नहीं आ सकता। और 8वीं आयत में लिखा है, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जब वो उठा लिया जाएगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजली से नीस्त करेगा। और 9वीं आयत में लिखा है, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत निशानों और अजीब कामों के साथ। बड़ा अहम है कि हम इस बात को जाने कि जो शैतान की तासीर है उसमें भी बड़ी बड़ी जबरदस्त बातें होंगी। और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि कुदरत तो होगी पर झूठी होगी, और आगे लिखा है निशान भी होंगे और अजीब काम भी होंगे। अब ये सब कुछ हमें नजर तो आता है लेकिन ये इस कदर ज्यादा नहीं जैसा बड़ी मुसीबत के वक्त में होगा। खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन के बायस अब तक ये दुनिया उस बड़ी मुसीबत में से गुजर नहीं रही। जब कलीसिया दुल्हन आसमान पर उठा ली जाएगी तो खुदावन का दिन, गजब का दौर जो है उसका आगाज हो जाएगा। अभी फजल का दौर जारी है, अभी ग्रेस पीरियड फजल का दौर जारी है। खुदावंद दावत दे रहा है, आओ इस विरासत में शामिल हो जाओ, आओ अपनी जिंदगी को तब्दील कर लो। अगर तब्दील ना होंगे तो जो तब्दील शुदा है वो तो आसमान पर जाएंगे और उसके बाद परेशानियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। पहली बात जिसको हमने देखा कि कलीसिया जो है वो आसमान पर क्यों जाएगी, क्योंकि मसीह ने उसकी सारी सजाओं को बर्दाश्त कर लिया। जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, उनके लिए अजर है, तख्ते अदालत के सामने होंगे लेकिन अजर के लिए। तीसरी बात जो हमने इसमें देखी है वो ये कि जब तक कलीसिया इस दुनिया में मौजूद है, फजल जब तक कलीसिया है जमीन पर खुदा का फजल है, जब कलीसिया आसमान पर है तो फजल का दौर जो है वो खत्म और उसके बाद जो मुसीबत का दौर है उसका आगाज हो जाएगा। पुराने अदमा में से एक बड़ी अहम बात आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत से लोग जो ये कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि कलीसिया उठा ली जाए दूसरे छोड़ दिए जाए, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे जीजो, इसका मुजाहरा हमें खुदावंद के कलाम में पहले ही से नजर आता और पहले ही से मिलता है। पैदाइश की किताब के अंदर जब हम पैदाइश की किताब और उसका 5वां बाब देखते हैं
तो वहाँ पर हमें हनूक का जिक्र मिलता है। पैदाइश की किताब उसका पाँचवा बाब, और इसके बाद जब हम खुदावंद के कलाम में पैदाइश की किताब और उसका छठा बाब अगला ही बाब देखते हैं थोड़े अरसा के बाद ही, तो खुदा ने नूह से ये कहा कि वो कश्ती बना ले क्योंकि मैं दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। इससे पहले कि दुनिया में तबाही आए, इससे पहले कि बर्बादी आए, वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं खुदावंद उन्हें उठा लेता है। और इसका जिक्र हमें खुदावंद के कलाम में पैदाइश की किताब उसके पाँचवें बाब की 21वीं आयत से 24वीं आयत में मिलता है। मैं चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से सुने। कलाम में लिखा है, और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतूसिला पैदा हुआ, और मतूसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदावंद के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और हनूक की उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ 365 बरस तक चलता रहा। और फिर लिखा है, और वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हनूक के लोगों को ये पता नहीं कि हनूक कहां पर गया, उन्होंने ये कहा कि वो गायब हो गया, और लिखा है कलाम में कि खुदा ने उसे उठा लिया। अगर खुदा एक हनूक को उठा सकता है जो उसके साथ चलता है, तो आज कलीसिया को वो क्यों नहीं उठा सकता? क्या हमारा खुदा कमजोर है? क्या हमारा खुदा हमें परेशानी में से गुजरने देगा? नहीं मेरे अजीजो, अगर वो हनूक से प्यार करता है, अगर वो एक जिंदगी से प्यार करता है, तो वो सब जो उसके साथ चलते हैं वो उन्हें भी उस परेशानी से निजात दे सकता है और उसमें से उन्हें बचा सकता है, वो उनकी भी हिफाजत कर सकता है। इससे पहले कि नूह के उस वक्त में तूफान आता, खुदावंद ने नूह को बचाया। दुनिया बाहर परेशानी में है और नूह उसी दुनिया में एक महफूज जगह पर है। ये भी एक अच्छी मिसाल है कि खुदावंद ने उसे उस जगह से बचा लिया। हम वो मसीह फिल्म जब देखते हैं, नूह की तूफान की जो फिल्म जो फिल्माई गई है, उसमें देखते हैं कि नूह महफूज जगह पर है और लोग आकर उसके दरवाजे को कटकटा रहे हैं, लेकिन दरवाज़ा खुदा ने बंद किया था और उसे नूह ने बाद में खोला। बंद करने वाला खुदा है और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। अगर हनूक उठा लिया गया, गायब हो गया, तो कलीसिया का रैप्चर क्यों नहीं हो सकता? आखिरी बात जो हम इस पैगाम में से जिस पर गौर करेंगे वो ये है कि आखिरत में हमारी जो उम्मीद है वो मसीह यसु है। हमारा जो मेन हवाला था, जो हमारी सनदी आयत, जो हमारी मेन आयत थी, जब हम उसको देखते हैं और फिर हम उसी पे आएंगे और उस पर गौर करेंगे कि तीतस के नाम का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत, तो उसमें लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद, आखिरत की उम्मीद मसीह यसु है। तीतस खत लिखते हुए मुकद्दस पालूस कहते हैं, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनजी यसु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें। अभी ये लोग मुंतजर थे, आज हम भी मुंतजर हैं इस बात के लिए कि हम मुसीबतों के दौर के शुरू होने से पहले फजल के दौर के इख्तिताम होने वाले लोगों में होंगे। अगर हम जिंदा रहे तो ज़रूर है कि हम भी जिंदा आसमान पर उठाए जाएं, और अगर हम मर गए और हमारे मरने के बाद खुदा यीशु मसीह आए, तो मसीह यीशु मुझे और आपको ईमानदारों को जो सच्चे ईमानदार हैं उन्हें वो कब्र से निकाल कर जिंदा आसमान पर ले जाएगा। मसीह यीशु आखिरत की उम्मीद है। रैप्चर उनका होगा जो सच्चे ईमानदार हैं, जिन्होंने सच्चे तौर पर उसके साथ अपनी जिंदगी को गुजारा और जिन्होंने नामी मसीह बनकर दूसरों के लिए ठोकर बनने का बायस बनकर अपनी ज़िंदगी को बसर किया, वो सब यहीं पर रह जाएंगे। मकनातीस की मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल है। मकनातीस के साथ सोना जो बड़ी कीमती धात है उसको जोड़ने की कोशिश करें, सोना कभी भी मकनातीस के साथ नहीं जुड़ेगा। चांदी जो शायद सोने से कम थोड़ी कम महंगी धात है उसको जोड़ने की कोशिश करें, वह मकनातीस के साथ नहीं जुड़ेगी। लेकिन कीलों को जो शायद जंगलूदा हों, जो बहुत पुराने हों, अगर उनके पास से मकनातीस को गुजारा जाए तो मकनातीस उन कीलों को उठा लेगा, क्योंकि मकनातीस के अंदर ये कुवत है कि वो उन उस लोहे की चीज़ को, उस धात को उठा सकता है। इसी तरह ईमानदार भले वो कब्रों में हैं या वो जिंदा आसमान पर हैं, वो बदहाली में ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं या वो खुशहाली में ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, जिनकी उम्मीद खुदावन यीशु मसीह है, ये हो नहीं सकता के रैप्चर हो और वो मुसीबतों में रह जाएं। ये हो नहीं सकता कि खुदावन उनका निजात दहिंदा जिसने उनके साथ वादा किया है वो उन्हें परेशानियों में छोड़ दे। आज
मेरे अजीजो, हमें अपने ईमान का असर नौ जायजा लेने की जरूरत है। दूसरी तरह की तालीम तालीमात हमें गुमराह ना कर दें। अबलीस इस वक्त में भी बेदीनी के भेद को फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब रूहुल कुद्स मौजूद है। अपने आप को खुदा रूहुल कुद्स के ताबे करें, उसकी ताबेदारी में आए, ताकि हम खुदा उनके कलाम के मुताबिक दुरुस्त तालीम को हासिल कर सकें। आज मेरी खुदावंद से यह दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से जो हमने सुना कि ईमानदार आसमान पर जिंदा उठाए जाएंगे, मुसीबत के दौर से पहले उठाए जाएंगे, ट्रेबुलेशन पीरियड से पहले उठाए जाएंगे, प्री ट्रेबुलेशन जो है हम इस बात को मानते हैं, मुसीबतों में से गुजरने वाले ईमानदार हम नहीं शायद वो होंगे जो नामी हैं। मेरे चीज़ों, आज मेरी खुदावन से दुआ है कि खुदावन कलाम के इस गहरे भेद को जानने सुनने और समझने के वसीला से हम सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे और हमें तौफीक बख्शे कि हम इस कलाम पर अमल करने वाले ठहरें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।